So hello guys, my name is Dr. Rahul Narula. In today's Dent Talk episode, we are going to talk about how to brush your teeth properly. So let's begin. This is the replica of your mouth. Today I am going to tell you how to brush your teeth properly. So let's start with basic. This is the center line. Our jaw is divided into two parts, upper part and lower part. This is your maxillary arch and this is your mandibular arch. And our teeth are divided into four quadrants. From center line, this will be your first quadrant, this will be your second quadrant, this will be your third quadrant, and this will be your fourth quadrant. So we have to brush quadrant wise. हमें पूरे मुंह में एक साथ ब्रश नहीं करना है. So let's start with first quadrant. First of all, we have to use soft bristles toothbrush, and we have to hold the brush in a 45 degree angle, and we have to brush from up to down, up to down. See, I'll tell you, this is called gingival margin. Our gingiva is attached to the bone, जिसमें कि खाना फंस जाता है, food lodgment हो जाता है. उसको clean करने के लिए हम लोग ये वाला motion करते हैं, from up to down. So the second motion will be circular motion, like this. This is your buccal surface. यूजुअली हम लोग ब्रश ऐसे करते हैं स्ट्रेट. दिस इज़ अ रॉन्ग वे. इस तरीके से सिर्फ बक्कल सरफेस क्लीन हो पाता है और जो इंटरडेंटल मार्जिन्स होते हैं ये क्लीन नहीं हो पाते हैं. इसको क्लीन करने के लिए हमें राउंड मोशन यूज़ करना है, लाइक दिस. एंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो यू कैन सी वी हैव टू डू एग्जैक्टली लाइक वी डिड आउटसाइड. वी हैव टू टेक अ ब्रश एट 45 डिग्री एंगल एंड वी हैव टू ब्रश फ्रॉम अप टू डाउन, up to down, and here like this, and again in a round motion from inside also. So this is called your occlusal surface. हम लोग जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो यहीं से कट होता है. सबसे ज़्यादा food lodgment यहीं पर होती है और सबसे ज़्यादा cavities भी यहीं पर लगती है. So we have to be extra cautious on this surface. We have to brush in a round motion here also. एंड मेक श्योर जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप लास्ट टूथ तक अंदर तक ब्रशिंग कर रहे हो, बिकॉज अगर यहाँ पे आपकी कैविटी लग जाती है तो उसको ट्रीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो विजन हेयर. सो मेक श्योर जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप ब्रश को एकदम एंड तक क्लीन कर रहे हो. एंड एट लास्ट आपको अपनी टंग को भी क्लीन करना है. ज़रूरी नहीं आपको टंग क्लीनर्स का यूज़ करके ही टंग क्लीन करना है. वॉट यू कैन डू इज आप अपना नॉर्मल टूथब्रश ही यूज़ कर सकते हो और टंग को आउटवर्ड मोशन में क्लीन करना है, जेंटली लाइक दिस, नॉट इनसाइड, जस्ट आउटसाइड. अगर आप इनसाइड करोगे तो जो भी बैक्टीरियाज होंगे वो आपके मुंह के अंदर चले जाएंगे, आपको उनको बाहर की तरफ ब्रशिंग करनी है. ओके, एंड मेक श्योर जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप हर क्वाड्रेंट को 30 सेकेंड्स का टाइम दें. मैक्सिमम ब्रशिंग टाइम शुड बी 2.5 to 3.5 मिनट्स, एंड मेक श्योर यू यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश. सो आई होप आपको आज का डेंट टॉक पसंद आया हो. अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ऑन हाउ टू ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट एंड मैं कोशिश करूंगा मैं आप सबका रिप्लाई कर पाऊँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो ब्रश देयर टीथ प्रॉपरली एंड मेंटेन ओरल हाइजीन. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.